बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट चने। जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, आधा किलो चने हैं उबले हुए, एक बड़ी प्याज है ब्राउन करके रख ली मैंने, हरा धनिया हरी मिर्च है, एक आलू मैश किया हुआ है, दही है 3 से 4 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच पीसी हुई मिर्ची, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, आधी चम्मच हल्दी। ऑयल हमने 2 कटोरी ली थी, ये वाली, इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। अब अदरक लहसुन को हमने 1-2 मिनट भूनना है, थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए तो फिर इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। रहमान रहीम, इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्ची, पीसी हुई मिर्चें, हल्दी, अब इनको पहले डाल के भूनना, बाद में दूसरी मसाले डालूंगी। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला हुआ क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए नमक डाला है चनों में, तो फिर मैं देख कर डालूंगी, कमी पेशी जब इसमें होगी। तो ये मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया डाला है इसमें, साबुत गरम मसाला पिसा हुआ और काली मिर्च डाली है। ये देखिए मसाला हमारा भुन रहा है, इसमें मैं प्याज डाल दूँगी पीसी हुई, इसको मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया था, थोड़ी देर तक भूनना है हमने, फिर इसमें मैं दही डाल के अच्छी तरह भून लूँगी। ये हमने आलू का जो पेस्ट बना के रखा था, एक आलू का, वो हमने डालना है इसमें। देखिए आलू का मिक्सचर डाल दिया हमने, इससे ये होगा कि ये आलू का जो ये जो मोचना का मसाला होगा ना थोड़ा सा, वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। या अगर आप आलू नहीं भी डालना चाहें तो इसमें ये जो चने होते हैं थोड़े से इसको मैश करके मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पीस लें, फिर बेशक इसमें डाल दें आलू, नहीं तो वो चने डाल दें, कोई मसला नहीं है। ये देखिए अभी मैं दही डाल रही हूँ इसमें, अच्छी तरह मैंने फेंटा हुआ था दही, फिर इसमें मैं चने डाल दूंगी, 5 से 10 मिनट तक चने डाल के भूनूंगी, फिर इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। ये मसाला भून चुका है, अब इसमें मैं चने डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चने डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया, इसको मैंने मिक्स कर दिया, साइड से भी जो उसका मसाला होता है उसको हमें उतारना होता है। ये चनों का पानी था जो मैंने उबाले थे चने, उसका पानी है, ये इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं मिक्स करके लिए इसको थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ये मिक्स ये जब बन जाएगा तो फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी धनिया हरी मिर्च डाल के। माशाल्लाह से देखिए हमारे चनों का सालन तैयार हो चुका है, देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका। अब इसमें मैं धनिया हरी मिर्च डाल रही हूँ, इसमें लायक मान रही हूँ, इसको हमने डिश ऑफ कर लेना है। ये देखिए हमारा सालन तैयार हो चुका है चनों का। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।